भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह ने आज मुरादाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर्नाटक में चल रहे हिजाब प्रकरण पर वहां के कई इस्लामिक संगठनों को टारगेट किया है। उन्होंने सीधे तौर पर इसे सोची समझे साजिश करार देते हुए कहा कि वहां पर प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों के लिए एक ड्रेस कोड लागू किया है जो सभी को मानना पड़ेगा। वहीं उन्होंने ओबीसी के आरोपों का भी जवाब दिया है। विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की एंट्री पर चुटकी लेते हुए कहा कि ये अखिलेश और ममता का ख्याली प्लाव है। हिजाब पहन के जाना स्कूल में, बुर्का पहन के जाना स्कूल में, और वो भी जहाँ पे ड्रेस कोड लागू है, वह ठीक नहीं है। जो हमारे सद्भाव है उसको बिगाड़ता है। और यह सुनियोजित चाल जो है एसडीपीआई के माध्यम से हुई है। एसडीपीआई वही है जो शरिया कानून को देश में लागू करने की बात करती है। कर्नाटक के उदुपी में जो घटना शुरू हुई, धीरे धीरे कर्नाटक के अन्य स्कूल में भी यह शुरू हुआ। इसके पीछे पीएफआई की जो संगठन है, अलगाववादी संगठन, देश को बांटने वाली संगठन, आतंकवादी संगठन, उसकी जो ब्रांच है एसडीपीआई, उसी का हाथ है और कांग्रेस भी उसको सपोर्ट कर रही है। हमारी सरकार कर्नाटक में हिजाब के पहन करके जाना, बुर्का पहन के जाना, और भी स्कूल के अंदर जाना, ड्रेस कोड का उल्लंघन करना, उसको प्रतिबंधित की है। उसका हम सपोर्ट करते हैं। स्कूल का अपना ड्रेस कोड होता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी वर्ग का हो, स्कूल के ड्रेस कोड को पहनना चाहिए। आप बुर्का पहनना हो, हिजाब पहनना हो, स्कूल के बाहर पहनो, लेकिन स्कूल विद्या का मंदिर होता है, वहाँ सबको एक समान जैसा दिखना चाहिए। वहाँ विद्या ज्ञान करने के लिए जाइए, उसका हम समर्थन करते हैं। और कर्नाटक सरकार को इसके लिए हम बधाई भी देते हैं, उन्होंने अच्छा किया, जनभावना के अनुरूप ही डिसीजन लिया करके उस पर प्रतिबंध किया। जी सर, हाई कोर्ट तो ये कह रही है कि हम सिर्फ संविधान से चलेंगे, ना कि भावना से। संविधान से चलना ही चाहिए, संविधान में चलना ही चाहिए। हमने कहाँ कहा संविधान से चलो। आप सड़क पे आप पहनो नहीं जा बुर्का, किसी ने मना किया है, लेकिन स्कूल के अपने नियम कानून होते हैं। स्कूल के अंदर स्कूल का ड्रेस कोड अगर है तो उसको मानना चाहिए। दूसरी बात, ये अभी 2015-16 से वह स्कूल का ड्रेस कोड वही लड़कियां पहन के चल रही थी। पहले एक लड़की ने उल्लंघन किया, फिर उसके बाद पांच लड़की आकर के हिजाब पहन के बुर्का पहन करके आई, फिर अगले दिन इंटरव्यू देने के लिए आ गई। तो ऐसे थोड़ी होता है सर। जिस तरीके से देखा जा रहा है, एक वीडियो आया है जिसमें छात्राएं अंदर हैं और कुछ लोग आ जाते हैं, किवाड़ तोड़कर अंदर प्रवेश कर जाते हैं, इसमें क्या कहना है आपकी? कहाँ पे? कर्नाटक में। नहीं नहीं, ऐसा है कि देखिए, सड़क पर रहिए, सड़क पर प्रदर्शन करिए, लेकिन अंदर मत आइए। नहीं सर, अकेली लड़की है और तो भीड़ पूरी। अकेली लड़की नहीं है, ना ना, वो वीडियो आपका गलत है। पहले एक लड़की आई, बच्ची जिसको मालूम ही नहीं है, कोई ग्यारहवीं बारहवीं बच्चे को क्या मालूम होता है? नहीं सर, आपकी स्कूटी में तो वो अकेली ना, नहीं दिखाई दे रही है ना, ना वो ऐसे ही आपका वीडियो होगा। फिर पाँच आती हैं, पाँच लोग आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, फिर अगले दिन इंटरव्यू देती हैं। वो लड़कियाँ इनोसेंट हैं, उनको कुछ नहीं मालूम है, लेकिन उसके पीछे एसडीपीआई है। और एसडीपीआई भी क्यों की? क्योंकि जब लोकल बॉडीज का दिसंबर में चुनाव हुआ, दिसंबर में, तो एसडीपीआई ने स्थानीय निकाय में 2 सीटें जीत गई। तो 2 सीटें जीतने के बाद उनका मन बढ़ गया कि ऐसे पूरे प्रदेश का धार्मिक जो सौहार्द है, वातावरण है, सद्भाव की स्थिति, उसको बिगाड़ो। लेकिन हमारी कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी की सरकार वह ऐसा नहीं करने देगी। और उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार का कभी नहीं सोचना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश के स्कूलों में भी हिजाब और बुरका पहन करके अलाउ नहीं होगा, आप ड्रेस कोड, जो स्कूल का ड्रेस है कोड है, सरकार का ड्रेस कोड नहीं है, स्कूल का कोई ड्रेस कोड कहता है, तो उसको आइए, ज्ञान अर्जित करिए, अपने यहाँ जाइए। राजनीति क्या बयान है तो चुनाव के दौरान कर्नाटक में तो वही गए, चुनाव के दौरान तो जा रहे हैं, हम थोड़ी भेज रहे हैं। चुनाव के दौरान पहले एक लड़की गई एसडीपीआई के समर्थन से, फिर पांच वहां जाती हैं, फिर इंटरव्यू देती हैं, फिर अलग स्कूल में जाने शुरू होते हैं। आप बताइए, उधर बुर्का पहन के गए, फिर एक तरफ भगवा पहन के चले जाते हैं, फिर एक तरफ हरा रंग पहन के चले जाते हैं, ऐसा हुआ?
तो स्कूल में फिर तो मल्टी कलर हो जाएगा, फिर कोई ड्रेस कोड ही नहीं होना चाहिए, कैसे कंट्रोल होगा? स्कूल में कोई इस प्रकार की चीज़ें नहीं होना चाहिए, सब भाव बना के रखो, स्कूल को स्कूल रहने दो। कुछ लोग राजनीतिक अखाड़ा बनाना चाहते हैं। ये तो उन्होंने कहा ना कि जो हिजाब की बात करें वो पाकिस्तान चले जाए, स्कूल से तो कोई मतलब ही नहीं पड़ा है ना उसका। नहीं, नेता का बयान है ना, अच्छा है कि भाजपा के नेता का बयान नहीं, लेकिन ये जरूर हम कह रहे हैं कि हिजाब पहनना, बुरका पहनना, स्कूल का ड्रेस नहीं मानना, ये तो अफगानिस्तान में होता था, हिंदुस्तान में तो कभी ऐसा नहीं होता था। और उसी स्कूल में जो कुंदपुरा है उदपी का, उसी स्कूल में 2015 से लगातार ड्रेस कोड पहनकर लड़कियां आ रही थी। सितंबर से पहले लड़कियां ड्रेस कोड पहन करके आ रही थी। तो क्या हो गया भाई? एकाएक यह हो गया कि SDPI दो सीट जीत गई, वो प्लांड वे में षड्यंत्र करके ये काम कर रहे हैं।